इतनी लाठी मरे हैं तुम्हारे एक गाय च। जिद है कुछ कर गुजरने की। रुको रुको छुड़े हैं वे रुको। तो अब यहाँ पे मैं सुल्तान को भी डाल देता हूँ क्योंकि ये छाछ ताजी है। छाछ तो बहुत बढ़िया होती है डॉग के लिए, तो पहले थोड़ी थोड़ी डालता हूँ फिर उसके बाद ज्यादा डालूंगा। ले सुल्तान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। इनका जो है दाना लेके आते हैं घर से, फिर उसके बाद इन्हें भी थोड़ी बहुत देर के लिए खोलते हैं ताकि ये भी अपना चुंग लें और बाकी दाना इनका अंदर ही डाल देंगे। अभी मॉर्निंग में वैसे एक अंडा मिला था, इनमें जो देसी मुर्गियां हैं तीन, वो तीनों दे रही हैं इस टाइम, और इनमें से एक मुर्गी को लग गई थी उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा, शायद वो वाली थी। तो फिर इसके लिए जो है ये पल्लिया की व्यवस्था की है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था इनके पंख है तो सर्दी नहीं लगती होगी, लेकिन सर्दी लगती है इन्हें भी। तो मैंने सोचा वैसे दाना तो इन्हें रोज ही डालते हैं, आज इन्हें रोटी और ये आटा डालते हैं। ऑलरेडी दाना तो यहाँ पे पड़ा हुआ है साथ। तो पहले सबसे पहले इन्हें खोलते हैं, उसके बाद इन्हें थोड़ी रोटी और ये आटा खिलाते हैं, फिर एक घंटे बाद इन्हें करीबन बंद कर देंगे। ये बिहारी वाला मुर्गा अपना बेचारा पिटता ही रहता है। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास सीमेंट रखा है बचा हुआ, पहले इस वाले दरबे के लिए मैं लेके आया था यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा जमसा भी गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये वाली जगह है, यहाँ पर इनका जो है इतना बड़ा यहाँ पर भी दरबा बना देता हूँ। उससे क्या होगा, वो बिहारी वाला मुर्गा है उसके लिए मैं एक या दो मुर्गी ले आऊंगा, तो उसके बाद जो उसके अंडे होंगे उसमें से जो है बच्चे निकाल पाएगी इसकी मुर्गी। तो देखते हैं आज या कल में वहां पे इनका जो है घर बनाएंगे, पहले जो है ईंटें मंगा के मुझे रखवानी पड़ेंगी यहीं पे। मुर्गियों के बच्चे अभी हम लोग देखते हैं, एक मुर्गी अगर इनके पास से हमें मिल जाती है। ये सामने है और हमने ये वाली ली है, ये रोड है। फाइनली दोस्तों वो ढूंढने गए हैं उस साइड, एक बिहारी मुर्गी मिल जाए क्योंकि हमारे पास एक मुर्गा ऑलरेडी है बिहारी, तो पेयर हो जाएगा, फिर उससे जो है आगे बच्चे भी निकल आएंगे। और हमने अभी ये वाली रोड मुर्गी ली है यहाँ से, अगर हमें दूसरी मिल जाएगी तो हमें दो रोड चाहिए अंडों के लिए, बाकी हमारे पास है। अभी देखते हैं उनकी बिहारी वाली मुर्गी आती है कैसी क्या बात बनती है हमारी। तो अभी केवल यही वाली लेके आए हैं, बिहारी वाली नहीं लाए क्योंकि एक तो पकड़ में नहीं आ रही थी और दूसरे पैसे ज्यादा मांग रही थी। ये सही मिल गई तो ये ले आए, अभी एक और ऐसी लानी पड़ेगी। तो बिहारी वाली दोस्तों फिर किसी दिन ले आएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे इनके साथ घुलने मिलने में, एक बार घुल मिल जाएगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहारी वाली मुर्गियों की मेरी इसलिए इच्छा और थी क्योंकि काफी सुंदर सुंदर कलर थे उनमें। आज तो मैं नहीं लेके आया क्योंकि पैसे ज्यादा मांग रही थी और पकड़ में भी नहीं आ रही थी, लेकिन एक दिन जरूर लेके आऊंगा। लेकिन पहले उनका सेटअप जो है वहां पे बनाना पड़ेगा क्योंकि मुर्गा ऑलरेडी मेरे पास वो है ही, एक मुर्गी और आ जाएगी उसके साथ तो सही रहेगा। उनका सेटअप वहां पे बनाएंगे, उसके बाद मुर्गी लेके आएंगे। इसके अंदर देखता हूँ शायद किसी ने कोई एग दिया हो। एक अंडा तो था जब मैं आया था, मेरे ख्याल से कोई निकाल के ले गया है। ये इसी में था दोस्तों, यहाँ पे ये भूसा है तो भूसे के नीचे दब गया था, मैंने थोड़ा सा हाथ लगा के देखा तो मिल गया। तो आज एक ही अंडा दिया है मेरे ख्याल से, हो सकता है एक आध और दिया हो, कोई और ले गया हो, मुझे ना पता हो। अभी मेरे पास इतने देसी अंडे रखे हैं, ये भी करीबन 6-7 हैं। तो अभी रात का टाइम है, 7 बज रहे हैं, अभी रात का खाना इन लोगों का तैयार करते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसके अंदर जो है एग कितने हैं, उसके बाद उन्हें उगा लेते हैं एक बार। तो अभी मेरे पास केवल 6 ही अंडे हैं और कल मुझे दूसरी क्रेट लेके आनी पड़ेगी। अभी क्या है देसी मुर्गियों में क्या है, अपनी एक या दो अंडे ही मुझे मिलते हैं,
तो देसी अंडा तो इन्हें जो है एक डॉग को एक ही अंडा मिल पाता है मुश्किल से, और बाकी फिर मैं फार्मी ऐड कर देता हूँ। तो कल दूसरी क्रेट लेके आऊंगा, जैसे ही सारी मुर्गियां जो है रेगुलर अंडों पे आ जाएंगी तो फिर ये फार्मी वाली क्रेट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे मेरे पास अभी करीबन 6-7 अंडे ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो पहले इन्हें और वो वाले अंडे मिला के सबको जो है बॉइल्ड कर लेते हैं एक बार, और फिर उसके बाद इन्हें खाना डाल देते हैं। तो सुल्तान को खाना डाल दिया है, और आज की वीडियो दोस्तों इतनी रखते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।